हरियाणा में रक्षाबंधन पर सरकार द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही मनोहर सरकार ने महिलाओं को विशेष तोहफा भी दिया है। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त है, दोपहर 12 बजे के बाद बसों में फ्री सफर शुरू हो चुका है। वहीं उनके साथ 15 साल तक के बच्चे भी बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं। रोडवेज विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए ड्राइवरों व कंडक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि त्योहार को देखते हुए अधिक बस चलाने की जरूरत पड़ने पर इनकी कमी महसूस न हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें ऑन ड्यूटी रखा जाएगा और तैयार रहने के निर्देश भी दिए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 29 अगस्त दोपहर के बाद निशुल्क बसों का सफर शुरू हो चुका है, जो कि 30 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इसके लिए विभाग द्वारा अतिरिक्त बसों को भी चलाया जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर लोकल रूटों की बसों को भी महिलाओं के लिए फ्री किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में रौनक उमड़ने लगी है। भाई बहन के पवित्र त्योहार इस रक्षाबंधन को लेकर सरकार ने महिलाओं को जो तोहफा दिया है, उसके लिए महिलाओं ने भी सरकार का आभार जताया है।